बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, आज हम इमरान खान के उस मद्दा से मिलने जा रहे हैं जिसने हमेशा से इमरान खान को डिफेंड किया है, इमरान खान की उसने तारीफ़ की है। पेट्रोल महंगा हुआ उस वक्त डीजे भट्ट ने गाड़ी छोड़ दी और उसने बाइक ले ली। अब फिर पेट्रोल महंगा हो गया है तो इमरान खान को वो फिर भी डिफेंड करना नहीं छोड़ रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से भट्ट साहब ने पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया है। इनसे जान लेते हैं कि भट्ट साहब ऐसा क्या, ऐसी क्या इमरान खान से मोहब्बत है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये क्या किया, बोतलों में आपने पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। देखिए जी, आपको जैसा कि मालूम है कि पेट्रोल की कीमत जो सी है वो महंगी कर दी गई और अफोर्ड नहीं कर रहे थे तो मैंने बाइक ख़रीद ली। अब बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल जब हम डलवाते हैं तो वो कहीं पे भी अचानक ख़त्म हो जाता है क्योंकि पेट्रोल फिर उसके बाद और महंगा हो गया। तो आपने घबराना नहीं है? मैं नहीं, मेरे जैसे बेशुमार मजदूर लोग, भाई लोग जिनका डेली मतलब अर्निंग है, उनकी रोज़ाना की अर्निंग है, उन्हें मंथली सैलरी नहीं मिलती तो वो लोग बेचारे 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और वो रास्ते में कहीं पे भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने रिज़र्व पेट्रोल मेरे पास तो नहीं था अवेलेबल, तो मैंने आज ये पेट्रोल इनको दिया है रिज़र्व के तौर पे कि कहीं पे भी आपकी बाइक बंद हो जाए अगर तो ये पेट्रोल आप उसमें डालकर कम से कम पेट्रोल पम्प तक चले जाएँ। तो अब आप इमरान खान को क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बड़े सपोर्टर थे, आप तो बड़े नारे लगाते थे इमरान खान के, आप कहते थे तब्दीली आई क्या आई? देखिए जी, पेट्रोल अभी हुआ है 148 रुपये, पेट्रोल 300 लीटर भी हो जाए ना, 300 रुपये लीटर भी, तो तब भी इमरान खान जिंदाबाद। ओह माय गॉड। देखिए, मेरी पर्सनल जो मोहब्बत है इमरान खान की साथ, उसको आप पेट्रोल की कीमत से ना कंसीडर करें, ये महंगा 300 रुपये भी हो जाए तो बस ठीक है। सर, मेरी मोहब्बत इमरान खान से वैसे ही रहेगी, मैं डीजे भट्ट इमरान खान का टाइगर था, हूँ और रहूँगा। उस चीज से कोई साहब, आप पेट्रोल बांटना शुरू हो गए, 100 रुपये का आपने पेट्रोल डलवाया, बाइक को लेटियां दिलवाई आपने और आप कहते हैं इमरान खान से मोहब्बत, मतलब क्या उनके हैंडसम होने की वजह से, उनके स्मार्ट होने की वजह से आपको मोहब्बत है? खान साहब के साथ पर्सनल लगाओ, मैं एक मामूली स्पीकर वाला था और खान साहब ने मुझे पूरी दुनिया में मुतारिफ करवा दिया, तो खान साहब के ताबेदार रहते हैं। लेकिन बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को कवर करने का। मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से खान साहब से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा। खान साहब, लास्ट टाइम भी मैंने इस पर एक छोटा सा इत्तेजाज रिकॉर्ड करवाया था कि प्लीज़ पेट्रोल की कीमत को सस्ता किया जाए, तो आपने वादा किया था कि बाइक वालों को रिलीफ दिया जाएगा किसी तरह, लेकिन वो सिर्फ वादे के तौर पर ही रहा, अमली तौर पर कोई उसका जामा नहीं पहनाया गया। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो गरीब लोग हैं आपकी तरफ देख रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ रिलीफ निकाली जाए। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, आटा, दाल की कीमतें सस्ती मिलती हैं, इसी तरह मोटर बाइक वालों को भी, जौन सा है जिनके पास मोटर बाइक, मज़दूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को पेट्रोल सस्ता दिया जाए किसी तरीके से भी। अच्छा, ये जो आपने बोतलें बांटना शुरू कर दी, कब तक बांटेंगे बोतलें? आप खुद बाइक पर आ गए हैं, अब लोगों में आपने बोतलें बांटना शुरू कर दी हैं,
उधर खान साहब जो हैं वो स्मार्ट लंगर खाने खोल रहे हैं, इधर आप स्मार्ट पेट्रोल पंप खोल के बैठ गए, क्या करेंगे? देखें सर, जब तक अल्लाह ताला तौफीक देंगे बांटते रहेंगे, तो जब अल्लाह पाक तौफीक ख़त्म कर देंगे, जब हम पैसे लाते कहाँ से हैं? क्योंकि खान साहब का तो एक प्रॉपर सिस्टम है, आपका क्या सिस्टम है आज ये बता दें आप। डीजे वट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी माशाल्लाह 2003 से इस्टेब्लिश कंपनी है और बड़े बड़े इवेंट्स करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ठीक है, लेकिन हम जो बात पूछना चाह रहे हैं वो बताएं, असल बात पे आएं। आप खान साहब के अगर जो है ना मद्दा है ना, तो खान साहब वाले फिर तरीके भी तो आपने अपनाए होंगे या नहीं? बिल्कुल जी, दुनिया प्यार करती है, मोहब्बत करती है, ये नहीं हम पूछते कौन क्या दे रहा है, बस ले लेते हैं और वो फिर हम आगे बांट देते हैं। और मैं ये समझता हूँ, अच्छा, पेट्रोल ये बांटने के लिए आपको कितनी ग्रांट मिली है? ग्रांट सर क्या है, बस वो ऐसे ही किसी ने कहा कि भट जी ये थोड़े से पैसे यार ये पेट्रोल दे देना लोगों को, तो हमने दे दिया। और ये कोई हमने किसी से चंदे के लिए नहीं कहा होता कि यार पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं मैं उन्हें कहूँ कि मुझे पेमेंट्स भेजें ताकि मैं। ये आपने बातों बातों में सुना दिया है खान साहब को, मैं बता रहा हूँ, आपने बात लगा दी है खान साहब को। नहीं सर, जब कोरोना वायरस आया तो हमारी साउंड एसोसिएशन उस वक्त बड़ी मुसीबत में, परेशानियों में मुबतला थी, कसपसरी का आलम था, पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो उस वक्त भी मैंने जब आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पे, तो बहुत से लोगों ने मुझे जो पेमेंट्स दी, जो मुझे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए पैसे दी, वो हमने ऑनलाइन ही लोगों को बांटे, और हम आइंदा भी इस तरह करते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मेरी आवाज़ आगे अकाम बाला तक भी पहुँचती है और पूरी दुनिया तक भी पहुँचती है, तो मेरी आवाज़ से जितने खैर के काम हो सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आइंदा आने वाले दिनों में आपने खान साहब को भी वोट देना फिर पक्के तय, ये तयशुदा बात है? सर देखें, ये खून चल रहा है ना, जब तक तब तक तो इमरान खान है। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। जब बंद हो जाएगा खून चलना, दिल का जो वाला चीनी का रेट आपको पता क्या हो गया? फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। सर जी, उसका इमरान खान की मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? मुझे आप इमरान महंगाई, इमरान खान नहीं कर रहा महंगाई। मैं आपको एक बात बताऊं सर, घर से भी जो उनसे है ना वो बातें सुनने को मिलती हैं, बाहर भी बातें सुनने को मिलती हैं। घर वाले कहते हैं कि 190 रुपए का जो पैकेट ऑयल का हम लेते थे, कुकिंग ऑयल का, आज हमें 400 रुपए का वो मिल रहा है। उसके बाद किसी भी चीज़ पर वो हमेशा मुझे कहते हैं भी हमारा ख़र्चा बढ़ाओ, हमारा ख़र्चा बढ़ाओ। कस्टमर्स हमें कहते हैं कि यार 15 साल पुराने जो हमारे रेट्स हैं उसको भी कम करो, कम करो। हमारे मुलाजमीन अभी भी मोहब्बत करते हैं, ये मुझे आज समझा दें, ये मसले मसाइल भी बता रहे हैं आप, फिर कहते हैं खान साहब से मोहब्बत है, खून बन के रगों में दौड़ रहा है। सर मुलाजमीन हमें कहते हैं, पहले साल में एक दफ़ा सैलरी बढ़ाई जाती थी, दो दफ़ा बढ़ा चुके हैं, अभी भी वो कहते हैं कि जी सैलरी कम है, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए वरना हम काम नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स मुझे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं इतनी फील हुई जितनी ये इन दो सालों में फ़ील हो रही हैं, और मेरे जैसे ही जितने भी तबके के हमारे जैसे लोग हैं उन सबको ये फ़ील हो रही हैं। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और हम तोको करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों से शायद फ़र्क पड़ जाए और शायद इन सब चीज़ों को जो सा है वो डिफरेंस जो सा है वो सामने आ जाए। मेरा एक मैसेज भी है कि जो BMW वाले हैं, मर्सिडीज़ वाले हैं, इनका एक रेट होना चाहिए, क्रोलो वालों का एक रेट होना चाहिए, और उसके बाद बाइक वालों का एक रेट होना चाहिए। तो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं उनका एक रेट होना चाहिए। नहीं, खान साहब से देखें, हमें तो जो भी रेट मिल रहा है हम तो लेने पे मजबूर हैं ना, हम तो इस पे तो इत्तेजाज भी नहीं कर सकते कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। थारे हमें कहते हैं हाँ सुना, मजा आ रहा है तब्दीली दा। ये आप भट्ट साहब को देख रहे हैं, पहले भी देखते रहते हैं, लेकिन आज आपने एक मुख्तलिफ अंदाज में देखा। ये अपने वज़ीर आज़म इमरान खान, वैसे तो हमारे भी वज़ीर आज़म हैं, उनकी तकलीद करते हुए उन्होंने स्मार्ट लंगर खाने जो है मुतारिफ़ करवाए, तो इन्होंने स्मार्ट पेट्रोल पंप मुतारिफ़ करवा दिया है। अब देखना ये है कि ये कब तक स्मार्ट पेट्रोल पंप के ज़रिए से इन लोगों में पेट्रोल बांटते रहेंगे और कब तक इनकी दुआएँ समेटते रहेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त कि बुनियादी तौर पर एक हल्का सा एहतजाज था जो कि हम हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा होश के नाखून लें और गरीब गुरबा और जो वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मज़दूर तबका अफराद हैं, उनका ख्याल किया जाए। उम्मीद है कि हमारी ये बात किसी न किसी हद तक असर करेगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निकेबान।